ओ माय गॉड, इतने एक्शन अरुष, इतने एक्शन। अरुष रेडी हो गई है? कहाँ जा रहे हैं अरुष? मामा मामा मामा, कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी, आ गई मैं दोबारा से अपने न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम लोग जा रहे हैं लंदन मुस्लिम शॉपिंग फेस्टिवल देखने के लिए कैसा है, और फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसका ऐड देखा था और तब तक तो वो लग के ख़त्म भी हो गया था, पर इस साल मैंने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर जाऊंगी, तो इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं और देखना है कि कैसा है, वहाँ चल के पता चलेगा कैसा है। और ये क्योंकि साल में एक बार ही लगता है, वो भी रमज़ान से 1 वीक पहले ही लगा है। इस साल तो ऐसे ही हुआ है, अब पहले का मुझे नहीं पता कि कब लगता रहा है, पर इस साल ये 1 वीक पहले लगा है और 2 दिन के लिए ही लगा है, सच एज संडे। और आज संडे था और संडे में ट्रैफिक भी बहुत थी और हम लोग जा रहे हैं और लेट भी काफ़ी हो चुके थे क्योंकि 5 o'clock एंड होना था, तो इसलिए शॉपिंग फेस्टिवल का एंड होना था क्योंकि बंद कर देना था उन लोगों ने सब कुछ, तो इसलिए अब हम लोग घर से तकरीबन निकले थे 1 o'clock निकले थे, हमें जाते जाते 3 बज गए थे। तो आप लोग देख ही रहे होंगे ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, संडे का दिन था इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा थी, और वहाँ चल के देखेंगे कैसा है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अच्छा था भी कि नहीं था। चलें जी, आप मेरा व्लॉग देखें और आगे चल के पता चलता है कि कैसा है। हाँ जी, यहाँ पर हमें केबल कार देखने को मिली और जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसकी फटाफट वीडियो बना ली, मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो चले क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाते हैं, और हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ जी, फेस्टिवल किसी मॉल में लगा हुआ था और इस मॉल का नाम मुझे नहीं पता ये कौन सा मॉल है, पर ये पूरा क्लोज था, बस खाने पीने के कुछ शॉप्स वगैरह खुली हुई थी, और ये है इसकी एंट्री, और अब हम लोग एंटर होने लगे हैं। हाँ जी, एंटर होते ही हमें फेस पेंटिंग नज़र आई, हमने कहा अरूश की भी करवाते हैं, और हम तो समझे थे शायद अरूश नहीं करवाएगी, पर अरूश इतना आराम से बैठी हुई थी, इसके मेकअप का वैसे ही बहुत शौक है, तो वो समझ रही थी कि इसको मेकअप हो रहा है। तो हम लोग अब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं क्योंकि और बच्चे भी करवाने में बिज़ी थे, तो फाइनली हमारी बारी आ चुकी है और हमारी बारी तो आ चुकी, पर अरूश की फेस पेंटिंग हो रही है और अरूश बिजी है, और इतने आराम से बैठी हुई थी, बिल्कुल इसको उलझन नहीं हुई कि हाँ जी क्या लग रहा है क्या नहीं, आराम से इसने पूरी फेस पेंटिंग करवाई है। और उसके बाद आप देखिएगा, जब ये अपना फेस देखेगी उसके बाद ये क्या करती है बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अपना फेस देखने के बाद। चले जी, अरूश की फेस पेंटिंग डन हो गई और आप लोगों ने देखा होगा कि उसने क्या बोला है, और
इसके अलावा ये कि वो जब भी किसी चीज़ को देख के रोती थी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, किसी भी बात पे जिद करती थी, रोने लगती थी, तो मैं इसको याद करवाती थी और उस पेंटिंग की हुई फेस पे रोना नहीं, तो उसी वक्त वो स्टॉप हो जाती थी कि उसको ये डर था कहीं इसकी पेंटिंग उतर ना जाए। इसको इतना मज़ा आया था और इतना खुश हो रही थी ये देख देख के। और इसके बाद ये थोड़ा बहुत हम लोग घूमे और उसके बाद हमें भूख लग गई, तो खाना खा, वो वहाँ बैठे दूसरी साइड पे खाना खा रहे थे, तो मैं और इशाल आए हैं। अरूश को बैग चाहिए था, बच्चों दूसरे बच्चे लेके बैग घूम रहे थे, पता नहीं किस चीज़ का वो होता है, मुझे तो नाम भी नहीं याद, तो वो उसको बैग चाहिए था, तो मैं उसके लिए बैग लेने गई थी। तो और हमने इशाल और मैंने कहा चलो हम थोड़ा घूम लेते हैं, ये लोग बैठ के खाना खाएँ, तो हम लोग अभी घूम रहे थे और यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो एक्स्ट्रा हाई लग रही थी मुझे तो प्राइजेस की, तो इसलिए हमने लिया तो कुछ भी नहीं, बस देखकर आ गए, इंजॉयमेंट करके आ गए और इसके अलावा बस खाना वाना खा कर आए। खाना भी बहुत महंगा था। हाँ जी, खाना खाना तो हमारा हक बनता था क्योंकि हम इतनी दूर से आए थे आखिर, तो ये तो हमारा हक था तो हमने खाना था, और वैसे भी बच्चों को भूख लग गई थी तो इसलिए फिर हमने यहाँ से खाना लिया था। और खाना खाने के बाद फिर क्या करना था, बंद खाना खाते खाते ही हमारा उन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी बंद करने की, और वो एक एक करके जो भी स्टॉल लगे हुए थे बंद होना शुरू हो गए थे। और इसके अलावा और ये कि रश भी वैसे बहुत ज़्यादा था, घूमने फिरने में वैसे भी मज़ा ज़्यादा आ भी नहीं रही था क्योंकि यहाँ इस एरिया में जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ रश नहीं था, और अंदर की तरफ जो स्टॉल वगैरह लगे हुए थे वहाँ बहुत रश था। और इसके अलावा ये है कि अरूश की जो पेंटिंग हमने करवाई थी ना वो भी 10 पाउंड की थी, हम लोग समझे पहले कि ये फ्री है शायद, क्योंकि उन लोगों ने कुछ कहीं लिखा ही नहीं होता कि कितने की है कितने की नहीं है, तो हम लोग समझे फ्री है, और थी वो 10 पाउंड की, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो इसके अलावा और ये कि जब लोग इतनी दूर से आते हैं और एंट्री टिकट भी है तो वो भी लेनी है, उसके अलावा पार्किंग की इतनी ज़्यादा कोई आवर्स का हिसाब नहीं था, यहाँ पर 20 पाउंड था, जितनी देर चाहे खड़ी करो, लोग तो पूरा दिन के लिए तो आएंगे नहीं, 3-4 घंटे के लिए आएंगे, तो बहुत ज़्यादा पार्किंग भी महंगी थी। और इसके अलावा तो फिर अगर ये लोग इतनी चीज़ें महंगी करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लोग इतना पैसा लगा कर आए हैं, एंटर हुए हैं, पार्किंग फ़ी दी है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, अंदर भी जब चीज़ें इतनी महंगी मिलनी है तो कोई फिर मज़ा नहीं, बस लोग बस इंजॉयमेंट करें, आना है तो इंजॉय करें और बस खाएँ पिएँ और बस चले जाएँ, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम लोग भी अब घूम फिर कर आ गए और हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो मैं अपनी राय बता रही हूँ, अब मुझे और लोगों का नहीं पता, हो सकता है दूसरे लोगों को अच्छा लगा हो, पर मुझे इतना कोई ख़ास लगा भी नहीं, तो इसलिए बस चलो बच्चों की हॉलीडे थी, हम लोग ने चलो संडे का दिन था, बच्चों को लेकर आ गए, थोड़ा इंजॉय भी हो गया, और अब हम ये हमारे जाने की तैयारी है। और ये मेरे पाँव बिल्कुल भी मुझसे चलन जरा, बस मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था क्योंकि बहुत दर्द होने लग गया था, मैं हील वाला जूता पहनाई थी और मुझे नहीं पता था इतना चलना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत पांव दुखे मेरे। और इसके बाद बस अब हम लोग घर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमने अभी 2 घंटे का और सफ़र करना है, फिर कहीं कहीं जाके हमने घर पहुँचना, और गाड़ी में बैठते ही मैंने तो अपने जूते उतार दिए थे और रिलैक्स होकर बैठी थी। हाँ जी, अब वेदर देखे चेंज हो गया था, आते हुए फुल क्लाउडी वेदर था और जाते हुए सूरज हमारे सामने खड़ा है, और हमें बहुत जाते हुए सूरज ने बहुत तंग किया, बार बार आंखों में आ रहा था, आंखों में मतलब लाइट डाल रहा था, अपनी टॉर्च ऑन की थी सूरज ने और हमारी आंखों में डाल रहा था। चले जी, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, अपना ढेर सारा रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, जल्ला हाफिज़।